प्रिय विद्यार्थियों, पतंग कविता इस दूसरे भाग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं इसके पहले भाग में आपको कवि आलोक धनवा जी का एक संक्षिप्त परिचय आपको बताया हूँ, और जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर ये कवि परिचय और संक्षिप्त में कविता का परिचय आपको मैं बता चुका हूँ। मैं सीधे आपको ले चलता हूँ कविता पतंग पर। और चित्र में देख रहे हैं शीर्षक पतंग, पतंग का चित्र भी आपके सामने है। तो पतंग का चित्र सामने आते ही मन में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। बच्चों की उमंगें, उत्साह किस प्रकार, तो मैं कविता पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उसकी व्याख्या भी करूँगा। तो कवि आलोक धनवा जी लिखते हैं कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियाँ किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अगले पैरा में आलोक धनवा जी लिखते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेशुद्ध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। और दूसरे पृष्ठ में हम देखेंगे कि कवि लिखते हैं कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, और वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो आप विद्यार्थी चित्र में देख रहे हैं किस प्रकार बच्चे छत पर खड़े होके पतंग उड़ा रहे हैं, और मैं कविता के प्रारंभ में आपको सीधे व्याख्या के लिए ले चलता हूँ। तो जिस प्रकार देखिए कि सब कवि कहते हैं, लिखते हैं कि देखिए मैं एक एक पैरा का यहाँ पर आपको अर्थ बताते जा रहा हूँ। लिखते हैं कि सबसे तेज बछौरे गई, भादो गया, सवेरा हुआ, और खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आए पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। और कवि आगे लिखते हैं कि घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों बता दूं कि जैसे भादो माह का उल्लेख है, और सावन के बाद भादों में तेज बारिश होती है, और
उसके बाद यहाँ पर शरद ऋतु का उल्लेख है, तो उसी को कवि जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि तो एक तो वास्तव में शरद ऋतु जो है वो सर्दी का एक पहला महीना है समझ लीजिए, और हाँ यहाँ पर जो आया है शब्द जो है तो हाँ यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं पहले पैराग्राफ में जो अंतिम शब्द है कि किलकारी, तो किलकारी मैंने खुशी में कूकना या चिल्लाना, और एक शब्द है नाजुक, नाजुक मतलब कोमल और नरम, और भादो का मतलब बता दें श्रावण के बाद वाला महीना, और शरद ऋतु जो है भादो के बाद जो प्रारंभ होता है, और एक एक ठंड का जो है एक प्रारंभ का महीना है। तो कवि कहते हैं कि सबसे तेज बछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, अर्थात भादो का महीना बीत चुका है, जिस ऐसे भादो कि जिसमें खूब तेज बारिश होती है वो माह जो है वो मास जो है बीत चुका है, बहुत तेज़ बारिश हो चुकी है, और बारिशों के बाद बहुत बारिश के बाद शरद ऋतु आई है, बहुत बारिशों के बाद शरद ऋतु आई है, यह ऋतु इतनी उजली थी, विद्यार्थियों हम बता दूँ कभी कहते हैं कि यह ऋतु इतनी उजली थी, इतना एक चमकीला था शरद ऋतु जो मानो क्या कहते हैं कि अंधेरे के बाद सवेरा हुआ, जैसे कहते हैं कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, खूब बारिश के बाद इतने अंधकार के बाद भादों में अंधकार के बाद शरद ऋतु में एक चमक आई हो, इतना एक उजालापन आया हो, और आगे कभी कहते हैं कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आए फूलों को पार करते हुए, और शरद का सवेरा खरगोश की आंखों जैसा लाल भूरा था, शरद का सवेरा खरगोश की आंखों जैसा लाल भूरा था, शरद का उज्ज्वल मास इस तरह, और कभी कहते हैं कि जैसे कि शरद आए फूलों को पार करते हुए और अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए घंटी बजाते हुए जोर जोर से। तो आगे कहते हैं कवि कि शरद का सवेरा आँखों की शरद का सवेरा खरगोश की आँखों जैसा लाल भूरा था, और शरद का उज्ज्वल मास इस तरह उमंग उत्साह और चमक से भरपूर होकर छा गया, मानो कोई उस इस प्रकार से ऐसा वातावरण बन गया शरद मास की उमंग और उल्लास से, कि जैसे कोई उत्साही बालक कोई बड़े उमंग में बालक जो है उत्साही बालक कई पुलों को पार करके शरद आए पुलों को पार, इसी एक प्रतिबिंब इसमें एक बिंब लिया गया है, प्रतीकात्मक तौर पर कहा गया कि ऐसा चमक से भरपूर छा गया कि मानो कोई उत्साह वाला पुलों को पार करके अपनी चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए घंटी बजाते हुए तथा पतंग उड़ाने वाले बच्चों को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, कवि ने लिखा है कि चमकीले इशारों से बुलाते हुए, तो पतंग उड़ाने वाले बच्चों को चमकीले इशारों से बुलाते हुए आधम का हो आ पहुंचा हो, जैसे वो पतंग उड़ाते हुए बच्चों को बुला रहे हैं वो शरद ऋतु। और आगे इधर क्या कहते हैं कि वास्तव में यहाँ जो कवि ने बताया है कि यहाँ तक अभी जो आप कविता में जहाँ तक पढ़ा हूँ कि चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और तो आशा यह है कि यहाँ इतना तक कि शरद ऋतु में चारों ओर उत्साह है, उमंग है, धूप की चमक है, मीठा मीठा शोर है और खेलने के इशारे हैं, और एक जो है पतंगबाजी का एक ज़बरदस्त
माहौल है, चारों धूम है, एक पतंगबाजी का वातावरण है। और कवि को यह लगता है, कवि कहते हैं आगे इसमें कि आप देखेंगे कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया के सबसे हल्के रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया के सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, और कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो आगे कहते हैं कि कवि कहते हैं कि मानो इस शरद ऋतु रूपी बालक ने, यहाँ पर विद्यार्थियों मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि एक शरद ऋतु को एक बालक माना गया है। कवि कहते हैं कि मानो शरद ऋतु रूपी बालक जो है आकाश को बहुत कोमल साफ और मुलायम बना दिया है। कवि ने लिखा कि आकाश कितना मुलायम बनाते हैं हुई, तो उसी कहते हैं कि बालक जो है शरद ऋतु रूपी बालक जो है आकाश को बहुत कोमल साफ और मुलायम बना दिया है, जिससे कि आकाश में पतंग उड़ सके, जिससे कि लिखा है कि पतंग ऊपर उड़ सके, अर्थात पतंग उड़ सके। और हाँ, कहते हैं कि दुनिया की सबसे पतली हल्की और रंगीनी चीज़ है पतंग। कहते हैं कि पतंग दुनिया की सबसे सबसे पतली हल्की रंगीन चीज़ है, उसमें लगी बांस की कमानी भी बहुत पतली होती है, बहुत महीन होती है, और जब पतले कागज़ कमानी से बनी पतंग, पतले कागज़ और कमानी माने बांस की पतली जो डंडी उसी को कमानी कहा गया है, पतले कागज़ और कमानी से बनी पतंग आकाश में उड़ती है, तो बच्चे जो है खुशी के मारे सीटियाँ बजाने लगते हैं। बच्चे अपना अपनी खुशी जाहिर करते हैं, खुशी में सीटियाँ बजाने लगते हैं और तथा किलकारियाँ मारने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगते हैं। और कहते हैं कि कवि की पतंगों से भरा आकाश जो है ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि मानो यहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ की कोई चलती फिरती कोई कोमल सृष्टि हो, एक उस रंगीन रंग बिरंगी तितलियों का ऐसे एक ऐसा संसार हो, ऐसा कोमल जो है ऐसी कोमल सृष्टि तितलियों की, ये कवि कल्पना करते हैं। और आगे आलोक धनवा जी क्या लिखते हैं कि जो दूसरा पैराग्राफ है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेशुद्ध, जब वे दौड़ते हैं बेशुद्ध, छतों के विनरम बनाते हुए, दिशाओं के मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पिंग भरते हुए चले आते हैं और डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, तो कवि कहते हैं विद्यार्थियों यहाँ पर विद्यार्थियों बचपन से बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बचपन में उनका शरीर बहुत लचीला होता है, इसकी बात कवि ने यहाँ पर आपको बताई है। और मैं चाहूँगा कि आगे इस कविता में मैं इसकी व्याख्या जो है अगले भाग में करूँगा। कविता लगभग तीन पैरा यहाँ पर और दिख रहा है, तो मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और इस पतंग कविता के तीसरे भाग में मैं आपसे पुनः मिलूँगा। तब तक के लिए